आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 4 बजे की 4 बड़ी खबरों का। प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल और उनके गनर की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है। उमेश पाल हत्याकांड में एक आरोपी का एनकाउंटर हुआ है। अरबाज नाम के बदमाश को पुलिस ने ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि एसओजी और प्रयागराज पुलिस ने यह एनकाउंटर नेहरू पार्क के जंगल में किया है। बाकी आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। मारे गए बदमाश अरबाज को पूर्व सांसद अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उमेश पाल की हत्या में जिस क्रेटा कार का इस्तेमाल किया गया था उसे अरबाज ही चला रहा था। प्रयागराज पुलिस ने धूमनगंज इलाके से स्थित नेहरू पार्क के जंगल में अरबाज को ढेर कर दिया है। इस एनकाउंटर में एक पुलिसकर्मी के भी घायल होने की खबर है। इस खबर पर हमारे संवाददाता पवन हमसे जुड़ेंगे। पवन, उमेश पाल हत्याकांड में एक आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। जी बिल्कुल मयूरी, बीते शुक्रवार को करीब 4:30 बजे उमेश पाल MPMLA कोर्ट से बाहर निकले थे, अपने घर की ओर जा रहे थे। उसी दौरान घात लगाए हमलावरों ने गोली और बम मारकर उमेश पाल की हत्या कर दी थी। उस पूरे घटनाक्रम में उमेश पाल की मौत हुई थी और उमेश पाल के साथ जो सुरक्षा कर्मी है उसमें एक सुरक्षा कर्मी की भी मौत हुई थी। आज लगातार जो है पुलिस की टीमें उस पर कार्य कर रही थी। जिले के कमिश्नर जो है रमेश शर्मा, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को उसके पूरे घटनाक्रम के लिए जो है पुलिस की 10 टीमों का गठन किया गया था और पुलिस और एसओजी की टीम ने आज इस पूरे कार्रवाई करते हुए इस पूरे घटनाक्रम का जो एक आरोपी मुख्य आरोपी है जो उस घटनाक्रम के दौरान कार चला रहा था उसको धूमनगंज थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क में मुठभेड़ के दौरान उसको मार गिराया है। हालांकि उसके जो आरोपी है उसके मौत की पुष्टि अभी तक आधिकारिक रूप से नहीं हुई है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, जो अभी तक तस्वीरें सामने आई हैं, उसे कहा जा रहा है कि वो जो आरोपी है उसकी मौत हो चुकी है। और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मुठभेड़ के दौरान जो धूमनगंज थाने के जो इंस्पेक्टर है राजेश मौर्य, वो भी गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि अगर कुछ अगर सूत्रों की माने तो पुलिस की टीमें जो है वो लगातार अभी भी सक्रिय है और कार्रवाई वो अभी जारी है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस लगातार इस पे कार्रवाई कर रही है और अभी तक उसने एक आरोपी को मार गिराया है तो कयास लगाया जा रहा है कि पुलिस जी हालांकि इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि मुठभेड़ जारी है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि पुलिस टीमें लगातार कार्य कर रही हैं और जल्द ही पुलिस से कार्रवाई करेगी और कयास लगाए जा रहे हैं कि पुलिस की टीमें जिस तरीके से सक्रिय है मुठभेड़ कहीं ना कहीं हो सकती है और मुठभेड़ की जो अभी तक आधिकारिक पुष्टि है वो नहीं हो पाई है। पवन, इस पूरे ऑपरेशन को कौन लीड कर रहा है? इस पूरे ऑपरेशन को पुलिस कमिश्नर प्रयागराज अमित शर्मा लीड कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर घटना के दिन से ही लगातार पुलिस टीम को दिशा निर्देश देते जा रहे हैं। इस पूरे घटना को लेकर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आला अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम को जल्द से जल्द अनावरण किया जाए, इसके पीछे जितने भी आरोपी है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर पूरे घटनाक्रम को कहीं ना कहीं से अगर देखा जाए तो अतीक एंड कंपनी पे इस पूरे घटनाक्रम को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है आज जिस आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है ये अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान ये आरोपी उसी क्रेटा कार को चला रहा था जिस क्रेटा कार से जो हमलावर है निकले थे, उन्होंने जिसने गोलाबारी की थी, तो कहीं ना कहीं जो पूरा घटनाक्रम है वो अतीक एंड कंपनी को लेकर जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी मयूरी। पवन, ADG ने अभी बयान दिया है कि आगे भी मुठभेड़ में आई और भी कई लोग घायल हो सकते हैं, आरोपियों पर जो सुरक्षा देने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि पुलिस की टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। पुलिस कमिश्नर द्वारा पुलिस की 10 टीमों का गठन किया गया है। एसओजी से लेकर क्राइम ब्रांच की टीम है, स्थानीय पुलिस की टीम है, वो लगातार इस पूरे घटनाक्रम को अनावरण करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है और जगह जगह पुलिस की टीमें दबिश कर रही हैं। जितने भी प्रयागराज के आसपास के सीमावर्ती इलाके उस पर पुलिस की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है, गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और घेराबंदी कर रखा है पुलिस ने, तो लगातार जो तस्वीर है वो बता रही है कि पुलिस की टीमें लगातार इस पूरे घटनाक्रम को जल्द से जल्द खुलासा करने के लिए लगी हुई है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि और भी जो अपराधी हैं उनको पुलिस गिरफ्तार करेगी, इनकाउंटर में मार गिराएगी, लेकिन किस तरह की अभी तक बातें हैं वो अभी तक उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। जी मयूरी। पवन, लगातार उमेश हत्याकांड को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा था, अब कार्रवाई शुरू हो गई है। बिल्कुल, पूरे घटनाक्रम को लेकर देखा जाए तो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार के लोग हैं उनका भी डेलीगेशन जो है
उमेश पाल के परिजनों से मुलाकात कर चुका है। अगर दूसरे पक्ष की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के भी कुछ स्थानीय नेता है जो उमेश पाल के परिजनों से मुलाकात कर चुके हैं। उस पूरे घटनाक्रम का जब एक पूरा कहीं जाके जब जुड़ रहा है अतीक अहमद के ऊपर, तो अतीक अहमद की जो पत्नी है साइस्ता परवीन, उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले प्रयागराज में ही बसपा के कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता ली थी। और आज बहुजन समाज पार्टी की बसपा जो सुप्रीमो है मायावती, उन्होंने ट्वीट करके इस बात की यहाँ पर पुष्टि की है कि साइस्ता परवीन अभी भी बसपा में बनी रहेंगी। लेकिन जो कहीं ना कहीं जो कहानी है, जो कड़ी है, वो जाके अतीक एंड कंपनी को जोड़ रही है। हालांकि पुलिस की टीमें लगातार कार्य कर रही हैं, और आज ये भी कहा जा रहा है कि आज जिस आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है वो अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है, जिसका नाम अरबाज बताया जा रहा है, और उसकी मौत हो गई है। हालांकि जो आरोपी है उसकी मौत की पुष्टि अभी तक अधिकारियों के द्वारा नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि जो आरोपी है उसकी मौत हो चुकी है। जी धन्यवाद पवन तमाम जानकारियों के लिए। राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले की जांच कर रही पुलिस जैसे जैसे अपनी तफ्तीश में आगे बढ़ रही है, उसे उस हत्याकांड में माफिया अतीक से लेकर बाहुबली मुख्तार अंसारी के गैंग का भी नाम सामने आ रहा है। पुलिस की अब तक जांच इस ओर संकेत कर रही है कि यह हत्याकांड गुजरात की जेल में बंद अतीक के इशारे पर बरेली की जेल में योजना बनाकर फिर प्रयागराज में अंजाम दिया गया था। मुख्तार के भाई मंसूर की अतीक के भाई अशरफ और बेटे अली से बीते कुछ दिनों के दौरान जेल में हुई मुलाकात की गहनता से जांच की जा रही है। वहीं एनकाउंटर में एक आरोपी को ढेर कर दिया गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, उमेश हत्याकांड की जैसे जैसे पड़ताल आगे बढ़ रही है, तमाम चीजें निकल कर सामने आ रही है, अब अतीक और मुख्तार का कनेक्शन सामने आ रहा है। एक बार फिर से संवाददाता रितेश का रुख करेंगे। रितेश, राजूपाल हत्याकांड में जैसे जैसे पड़ताल शुरू की जा रही, नए चीजें सामने निकलकर सामने आ रही है, अब अतीक और मुख्तार का कनेक्शन सामने आ रहा है। जी मयूरी, मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज में जो हत्याकांड हुआ है, इतना बड़ा, इतना भयानक हत्याकांड हुआ है जो पहली बार देखने को मिला है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो एसटीएफ है, एसटीएफ ने अपनी प्रारंभिक जांच में दोनों बड़े बाहुबली नेताओं के बीच में कनेक्शन पाया, जो अपराधी हैं दोनों इनके बीच में एक कनेक्शन पाया गया। मैं आपको बता दूं कि एक एसटीएफ ने लगातार ये छापेमारी की थी, तो अतीक के बेटे अली से मुख्तार के करीबियों की मुलाकात भी सामने बताई जा रही है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब जो है एसटीएफ भी छानबीन कर रही है। अब ये दो बाहुबली के बीच में ये जो बनाई गई थी योजनाएं, वो भी कहीं ना कहीं सामने आने वाली है। फिलहाल एसटीएफ इसमें पूरी तरीके से नजर बनाए हुए है, और अपराधियों की धरपकड़ में पूरी तरीके से एसटीएफ की टीम लगातार निकल चुकी है। और ये माना जा रहा है, अगर पुलिस सूत्रों की माने तो ये माना जा रहा है कि लगातार ये जितने भी उसमें घटना में शामिल थे उनके बहुत जल्द करीब पहुंचने वाले हैं, और सारी योजनाओं का खुलासा भी होने वाला है। फिलहाल अभी एसटीएफ की तरफ से जो जानकारी मिल रही है, और मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के बीच में कुछ लोगों से जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात को लेकर हुई। अगर एसटीएफ की प्रारंभिक जांच की माने तो उमेश पाल की हत्या की साजिश गुजरात की साबरमती जेल में बंद पूर्व सांसद अतीक अहमद ने रची थी, इसको लेकर के भी कहीं ना कहीं प्रारंभिक जांच की गई है, और कहीं ना कहीं एसटीएफ पूरी तरीके से मामले में छानबीन में जुटी हुई है। रितेश, ये इनपुट कैसे मिला कि इनमें मुलाकात हुई? देखिए, ये एसटीएफ की ये एसटीएफ छापेमारी कर रही है, और लगातार अपने इंटरपोल के जरिए अपना एक उनका सूचना होता है, उस सूचना के तरीके से कहीं ना कहीं एसटीएफ अब इन चीजों को खंगालने में जुटी हुई है। पूरे इंटेलिजेंस लगे हुए हैं, बड़ा मामला है, कोई छोटा मामला नहीं। किस तरीके से करेरा उमेश पाल की हत्या कर दी गई, गोलियों से भून दिया गया, बम चलाए गए,
तो इस तरह की घटना पर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफी नाराज हुए थे और उन्होंने मिट्टी में मिलाने के लिए भी संकेत सदन में दे दिए थे, जिसको लेकर के पूरी पुलिस सक्रिय हुई है। पूरे उत्तर प्रदेश का पुलिस महकमा जाग उठा है और एसटीएफ ने अपने पूरे सूत्रों को लगा दिया है और एक अपराधी को छान करके निकाला जा रहा है। आज ही अभी एक जानकारी मिली कि आज एक अपराधी को मार गिराया पुलिस ने। पुलिस दावा कर रही है अपराध नाम के इस जो अपराधी था उसमें संयुक्त था, शामिल था, उसको भी मार गिराया गया है। तो कहीं ना कहीं अब अपराधियों पर लगाम कसने के लिए पूरी तरीके से पुलिस महकमा जुट चुका है। भाई रितेश, खबर आ रही है कि पूछताछ के लिए अतीक को गुजरात से बुलाया जा सकता है। जी, अभी पुलिस की जांच में है, पुलिस इसको जांच कर रही है। पूरी घटनाओं के क्रम को जोड़ा जा रहा है, एक एक कड़ियों को मिलाया जा रहा है। जिस तरीके से जेल में मंद मुलाकात हुई उनके करीबियों की, तो उसको भी लेकर के एसटीएफ पूछताछ कर रही है और जो उनके इंटेलिजेंस है, जो उनके इंटरपोल है, वो पूरी तरीके से जांच के चुके हुए हैं। अब जांच में ये पता चलेगा, जांच में पता चलने के बाद फिर उनको पूछताछ पहुंच भी सकती है। रितेश, इस मामले में एक आरोपी का एनकाउंटर हो गया है, आगे और क्या कुछ सामने आ सकता है? देखिए, इसमें एनकाउंटर होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि अब जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से साफ कह दिया था, सदन में ही बोल दिया था, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, उसे मिट्टी में मिला के ही दम लेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी एक अपराधी ढेर होता हुआ नजर आया है, जो पुलिस ने दावा किया है। अभी जो धूमनगंज इलाके में जो वहां के पुलिस है, वहां एक मुठभेड़ हुई है, मुठभेड़ में ये अपराधी सामने आ रहा है कि उसको मार गिराया गया, अस्पताल ले जाते समय अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अभी कार्य शुरू हो गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से इस कार्य को शुरू किया है, अब एसटीएफ भी पूरी तरीके से धरपकड़ में लगी हुई है, उनके जितने भी इंटरपोल है, जितने भी इंटरचार्ज एजेंसियां हैं, सब लगी हुई कार्य से, और अब जल्द ही अपराधियों को सलाखी को पीछे भेजना होगा या एसटीएफ तय करेगी वो कहां जाएंगे। रितेश, सदन में सीएम योगी ने कहा किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो क्या उसी की शुरुआत हो चुकी है? देखिए मयूरी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, तो कहीं ना कहीं अपराधियों में भय का माहौल रहा, जितने भी भूमाफिया थे उनके अंदर भी भय का माहौल रहा। अब ये जो प्रयागराज में इस तरह की घटना हुई, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, सरेराह चौराहे पर गोलियों से भून दिया जाता है, पांच पांच छह छह हथियार बंद आते हैं वहां पर और लगातार गोली बरसाते हैं, बम चलाते हैं। तो अब इसको देख करके कहीं ना कहीं लखनऊ में जो लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं इसको माहौल बिगाड़ने काम किया गया। मुख्यमंत्री इस पर खासा नाराज हैं और अपने अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दे चुके हैं कि किसी भी हाल में उन अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, और उसका प्रमाण आज से ये शुरू हो चुका है। एसटीएफ ने वो कार्रवाई कर भी दी है, पुलिस ने वो कार्रवाई कर भी दी। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। चिनहट में राज मिस्त्री तूफानी चौहान की हत्या का पुलिस ने सोमवार को खुलासा किया है। प्रेस वार्ता कर डीसीपी हृदेश कुमार ने बताया कि मृतक तूफानी चौहान मूल रूप से लखनऊ का ही रहने वाला था और राज मिस्त्री का कार्यकर्ता था और अभियुक्त राम नरेश साहू थाना बीबीडी इलाके का रहने वाला था। घटना वाले दिन ही मृतक और अभियुक्त की पहचान हुई थी। दोनों ने एक साथ शराब पी और उसके बाद मामूली सी बात पर दोनों ने हाथापाई की, जिसमें राम साहू ने वसूली से ताबड़तोड़ वार कर तूफानी चौहान को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त वसूली को बरामद कर विधिक कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया। इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, राज मिस्त्री तूफानी चौहान की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें, घटना वाले दिन ही मृतक और अभियुक्त की पहचान हुई थी। दोनों ने एक साथ शराब पी और उसके बाद मामूली सी बात पर दोनों में हाथापाई हो गई, जिसमें राम साहू ने वसूली से ताबड़तोड़ वार कर दिया, तूफानी चौहान को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने
हत्या में प्रयुक्त वसूली को बरामद कर विधिक कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया। बता दें 72 घंटे के अंदर पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ेंगे। सागर, राजमिस्त्री तूफानी चौहान की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। जी देखिए, आपको बता दूं कि यूपी पुलिस का इतिहास बड़ा ही रोचक रहा है। कभी आरोप लगते हैं, कभी प्रत्यारोप लगते हैं, कभी झूठ के एनकाउंटर के आरोप लगते हैं, तो कभी घर में घुसकर मारपीट के आरोप लगते हैं। लेकिन बात यहाँ राजधानी लखनऊ पुलिस की है, जो अभी बीती थी 23 तारीख की बात है। यहाँ पर एक राजमिस्त्री है तूफानी चौहान, उनकी हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद सुराग नहीं मिलता है। पुलिस को पूरी तरह से ब्लाइंड केस समझा जाता है पुलिस द्वारा। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि 72 घंटे के अंदर पुलिस ने इसका बहुत बड़ा खुलासा किया और पुलिस ने प्रेस वार्ता कर हृदेश कुमार डीसीपी ईस्ट हैं, उन्होंने बताया कि जो हत्या के पीछे जो है इसके ही साथी एक थे, रमेश गुप्ता उसका नाम था, क्योंकि साथ ही ये लोग काम करते थे। और दूसरी बात बता दूं कि अभी हाल ही में जिस दिन घटना हुई उसी दिन इनकी दोनों की मुलाकात हुई है एक साइड पे। तो इन दोनों ने शाम को पैसे कमाने के बाद शराब साथ में पी, उसके बाद वहाँ पर शराब पीने के बाद इन्होंने कई बार शराब पी, रास्ते में आए, कई बार गिरे, कई बार इनका एक्सीडेंट भी होने से बचा। उसके बाद कुछ विवाद हो गया इन दोनों में पैसे को लेकर, उसके बाद ये दोनों में आपस में झड़प हो गई। एक वसूली नाम की चीज़ होती है जो कि राजमिस्त्री रखते हैं, जिससे पत्थर तोड़ते हैं, तमाम चीज़ें तोड़ते हैं। तो उसने इन दोनों ने आपस में एक दूसरे पर वार किया, जहां पर साहू है वो भारी पड़ गया तूफानी चौहान पर और वहां पर उसकी मौत हो गई। उसके बाद से लगातार पुलिस इस बात का खुलासा करने की जुगत में जुटी थी कि किस तरह से इस ब्लाइंड केस को पूरी तरह से पर्दाफाश किया जाए। और हाल ही की बात बता दूँ, कल की बात है, कल बीटी थाना क्षेत्र में रमेश गुप्ता, रमेश साहू है, उसकी पकड़ हुई है, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और इस बात का खुलासा किया है। जी सागर, अब गिरफ्तारी हो गई है, आगे की क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? देखिए आपको बता दूं कि 300 धारा 302 के तहत इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था और हत्या का मुकदमा चलेगा इसमें। फिलहाल पुलिस ने इसे विधिक कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। और बहुत अच्छी बात है कि पुलिस के जो डीसीपी ईस्ट हैं हृदेश कुमार, उन्होंने अपने साथियों और जो पुलिसकर्मी उनके जो माथा थे उनको प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने की बात करी है। फिलहाल पुलिस ने इस बात का बहुत जल्दी खुलासा किया है, ये भी लखनऊ पुलिस की एक कार्यशैली को दर्शाता है। जी सागर, कहीं ना कहीं देखे कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे थे, अब लगातार एनकाउंटर हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? जी देखिए, आपको बता दूं कि यूपी पुलिस की भूमिका हमेशा से सवालों के घेरे में रही। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यूपी पुलिस आरोप और प्रत्यारोप के सवालों के घेरे में हमेशा रहती है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं रोजाना एनकाउंटर, रोजाना ऐसे पर्दाफाश हत्या का खुलासा बहुत बड़ी सफलता है यूपी पुलिस के लिए और तमाम जो जाँच एजेंसी, चाहे एसटीएफ हो, चाहे एटीएस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, इन्होंने लगातार अपने साहस का पराक्रम हमेशा से लहराया। तो फिलहाल देखना ये भी दिलचस्प है कि आगे भी जो भी खुलासे पेंडिंग रह गए हैं उसका पुलिस कब तक खुलासा कर पाती है। जी जी धन्यवाद सागर तमाम जानकारियों के लिए। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली से लेकर यूपी तक सियासी पारा हाई कर दिया है। जी हां, दिल्ली की सियासत में इस वक्त भूचाल आ गया है। वजह है मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी। सिसोदिया की गिरफ्तारी शराब घोटाले के मामले को लेकर हुई है। वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया मामले की सुनवाई हो रही है। बता दें मनीष सिसोदिया मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। बता दें सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के लिए 5 दिन की कस्टडी मांगा था। आज राउंड एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी हुई है जिसमें फैसला सुरक्षित रखा गया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव,
गौरव मनीष सिसोदिया की आज कोर्ट में पेशी हुई है, वहीं इसको लेकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। जी बिल्कुल मयूरी, यहाँ पेश हो गई है और यहाँ पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, पर कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि मनीष सिसोदिया की यहाँ पर 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी सकते में है। उस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर हम बात करें इस पूरी मामले की, तो मई 2020 में एक आबकारी नीति दिल्ली सरकार द्वारा लाई गई थी, उस समय इस नीति को नवंबर 2021 में लागू किया गया था, उसके बाद से लगातार कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया ने इस नीति के माध्यम से यहाँ पर शराब ठेकेदारों के लगभग लगभग 144 करोड़ रुपए माफ़ किए हैं, और कहीं ना कहीं इसके तार से फंडिंग भी ली गई है, चुनाव में इसका पैसा भी लिया गया है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कहा जा रहा है कि जो मनीष सिसोदिया के एक करीबी रहे दिनेश अरोड़ा, उनको उन्होंने सरकारी गवाह के रूप में उन्होंने तमाम तरह के बयान दिए हैं, और उन्होंने ही मनीष सिसोदिया समेत तमाम लोगों का नाम लिया, तो उसके बाद से लगातार सीबीआई जाँच चल रही थी, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल जेपी सक्सेना ने भी इसकी मांग की थी कि मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ सीबीआई जांच की उन्होंने मांग की थी। उसके बाद लगातार जांच चल रही थी, उसी प्रक्रिया के तहत यहाँ पर कल सीबीआई जांच कर रही थी। 8 घंटे की लंबी पूछताछ के यहाँ पर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद देश में पूरी तरह से माहौल गर्म हो चुका है, और आम आदमी पार्टी ने सभी जगहों पर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है कि यहाँ पर गलत किया गया है, और यहाँ पर राजनीतिक विद्वेष के तहत मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है। गौरव, सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड मांगी है ताकि वो कस्टडी में लेकर पूछताछ कर सके। जी बिल्कुल, यहाँ पर रिमांड जरूर मांगी है, क्योंकि पर मनीष सिसोदिया वकील ने कहा, स्पष्ट रूप से कहा है कि जो मंजूरी थी आपकारी नीति की, उसको हरी झंडी वहाँ पर जब समय के जो राज्यपाल हैं उन्होंने दी थी, सक्सेना ने दी थी, और कहीं ना कहीं ये अगर नीति में अगर कोई दिक्कत आ रही तो कहीं ना कहीं वो भी इसमें आरोप में शामिल है, और उनके ऊपर भी यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की कोई जानकारी उनके पास नहीं है, और जो आरोप है मनीष सिसोदिया पर लगाए जा रहे हैं वो गलत है, और यहाँ पर जानबूझ के बीजेपी द्वारा जानबूझ के यहाँ पर मनीष सिसोदिया पर प्रदर्शन किया जा रहा है। जैसे भी हाल में पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सतीश जैन भी इस समय जेल में है, लगभग जुलाई 2022 से वो भी जेल में है, उसके बाद से कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया पर भी यहाँ पर इस शिकंजा कसने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि अगर बात करें आपका नीति तो ये हरी झंडी मिलने के बाद ही अमल में लाई गई थी, और जो भी आरोप यहाँ पर सरकार द्वारा या सीबीआई द्वारा लगाया जा रहा है वो निराधार है, जानबूझ के क्लाइंट को परेशान किया जा रहा है। तो वहीं अगर बात करें सीबीआई वकील का कहना था कि मनीष सिसोदिया ने नई आपकारी नीति के तहत लगभग 3 फोनों का इस्तेमाल किया था, वो 3 फोन कहाँ हैं, और 3 फोन का इस्तेमाल करना और फिर 3 फोन का अचानक गायब हो जाना कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि इस घंटाल में जरूर कुछ काला है, उसी के तहत यहाँ पर हम 5 दिन की रिमांड की मांग कर रहे हैं। सागर, ये माफ कीजिएगा गौरव, ये जो पूरा शराब घोटाले का मामला था, इसको उजागर किसने किया, सीबीआई को रिपोर्ट किसने सौंपी? देखिए, सीबीआई को रिपोर्ट के लिए सीबीआई से जांच की मांग की गई थी, और जांच की मांग दिल्ली के उपराज्यपाल ने की थी, सक्सेना ने की थी। उनका कहना था कि जो ये आबकारी नीति है, कहीं ना कहीं यहाँ पर अवैध फंडिंग का आरोप लगाया गया है, इसके अलावा शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपये माफ करने का आरोप लगाया गया है, उनको अंधेरा से तहत उन्होंने सीबीआई जाँच की मांग की थी, उसके बाद से लगातार सीबीआई जांच चल रही थी, उसके बाद ये फैसला आया है फिलहाल कि उनको गिरफ्तार किया गया, और फिलहाल कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है कि उनकी गिरफ्तारी होगी या लंबी चलेगी, रिमांड मिलेगी या नहीं। गौरव, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है, अब आगे का क्या कुछ एक्शन हो सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी कल से सक्रिय है, और वहाँ पर दिल्ली की बात करें, तेलंगाना की बात, उत्तर प्रदेश की बात करें, देशव्यापी प्रदर्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ संगठन है वहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि यहाँ पर राजनीतिक विद्वेष के तहत मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की जा रही है, ये कार्रवाई हम नहीं चाहेंगे, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। और जो जिस तरह से मामला चल रहा है, पूरी तरह से यहाँ पर बीजेपी सरकार घबरा गई है, हमारी पार्टी लगातार प्रदर्शन से उनकी लगातार उनके अच्छे कामों से, इसलिए बीजेपी जानबूझ इस तरह के काम कर रही है। और जिस तरह से बीजेपी की हाल में ही 15 साल के इतिहास के बाद यहाँ पर MCT में हार हुई थी, कहीं ना कहीं बीजेपी उसे बौखलाई हुई है, इस तरह के कामों का अंजाम दिया जा रहा है। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए। चार बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।